आज हम लोग HP Pavilion G4 लैपटॉप को फॉर्मेट करके उसमें विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे और जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, कैसे विंडोज इंस्टॉल हो पाता है। तो विंडोज इंस्टॉल करना सीखने के लिए पूरा वीडियोस आखिरी तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं जेब्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा HP Pavilion G4 लैपटॉप और इसको फॉर्मेट करने से पहले सबसे पहले चार्जिंग पर लगा लेते हैं। चार्जिंग पर लगाने के बाद आपको अगर कोई डेटा रोकना है तो आप उस डेटा को अपने कॉपी पेस्ट करके दूसरे ड्राइव में रख भी सकते हैं, जैसे कि ये लोकल डिस्क सी है और लोकल डिस्क डी है। तो हम चाहते हैं सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट करें, डी ड्राइव को फॉर्मेट ना करें, तो हमारा डेटा जो भी है वो इसमें बचा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा सारा डेटा डी ड्राइव में है वो बच जाए और सी ड्राइव केवल फॉर्मेट हो जाए और विंडोज 7 इसमें इंस्टॉल कर दिया जाए। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपना सिस्टम चार्जिंग पर लगाना है। सेकंड स्टेप, अगर कोई डेटा आपको रोकना है तो वो डेटा आप अपने डी ड्राइव में या ई ड्राइव में, जो भी ड्राइव हो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर अगर दोनों ड्राइव आपको फॉर्मेट करनी है, सी डी या ई एफ जितनी भी ड्राइव आपकी बनी है, तो अगर आपको कोई डेटा रोकना है तो आप एक्सटर्नल ड्राइव में या पेन ड्राइव में आप अपना डेटा ले सकते हैं। डेटा का बैकअप लेने के बाद सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए और सिस्टम शट डाउन हो जाने के बाद हमें चाहिए सी डी विंडोज 7 की या फिर उसी इमेज फाइल की बनी हुई बूटेबल पेन ड्राइव। तो ये बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं उसका हमने वीडियो बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में ऊपर मिल जाएगा और आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। तो इस बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से हमें ये लैपटॉप फॉर्मेट करके विंडोज 7 इंस्टॉल करना है। तो इसको सबसे पहले यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं और यूएसबी पोर्ट में लगाने के बाद आपको यहाँ पर ये पावर बटन दबाना है। पावर बटन दबाने के बाद यहाँ पर लाइट आ जाएगी और फिर उसके बाद कई लैपटॉप में अलग तरीके से होता है, किसी में होता है F12 से, किसी में होता है F9 से, किसी में एस्केप से, किसी में F2 से होता है। इस लैपटॉप में आपको सबसे पहले एस्केप दबाना पड़ेगा पावर बटन दबाने के बाद। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये पावर बटन दबाया और यहाँ पर अभी लिख करके आ जाएगा कि प्रेस एस्केप। तो यहाँ पे ये दिखे नीचे लिखा, हमने एस्केप दबा दिया, यहाँ पर लिख करके आया था, आप पाउज करके देख लीजिएगा। तो हमने एस्केप बटन ये किनारे है कीबोर्ड में, यहाँ पर इसको हमने प्रेस कर दिया था। अब यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे सामने हैं। स्टार्टअप मेनू के F1 है सिस्टम इन्फॉर्मेशन के लिए, F2 है सिस्टम डायग्नोस्टिक के लिए, F9 है बूट डिवाइस ऑप्शन के लिए और बायो सेटअप के लिए F10 है। अगर आप ये सब नहीं चाहते हो तो इंटर करके कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो हमें बूट ऑप्शन में जाना होगा क्योंकि हमें सिस्टम को फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए F9 प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप माउस यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पर कीबोर्ड से ही अप डाउन करेंगे। आपकी पेन ड्राइव का नाम जो भी हो, मेरी पेन ड्राइव का नाम है सैंडिस्क कर्सर ब्लेड। आप अगर सीडी से कर रहे हैं तो आप इंटरनल सीडी डीवीडी रोम में क्लिक करेंगे। अगर आप पेन ड्राइव से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव का नाम शो करेगा, तो उस पर आने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है और फिर यहाँ पर लिख के आएगा प्रेस एनी की टू बूट ऑप्शन। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, इस पर आपको तुरंत कोई भी बटन कीबोर्ड में दबाना होता है और इंटर भी करना होता है तुरंत। तो आप जैसे ही इंटर करेंगे विंडोज लोडिंग होगा और विंडोज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग विंडोज ऐसे लिख करके आ जाएगा और फिर इस तरह से आपके सामने विंडो खुलेगी। विंडोज 7 का लैंग्वेज टू इंस्टॉल, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड। तो इन सब में आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब आप यहाँ पर माउस का यूज कर सकते हैं और इसको नेक्स्ट पर क्लिक, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद सेटअप इज स्टार्टिंग लिख करके आएगा और थोड़ा ये समय लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, एक ऑप्शन है 86 और है 64। इन दोनों का मतलब है 64 बिट और ये 86 बिट, मतलब 32 बिट का ये सिस्टम बनेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये 64 बिट पे इंस्टॉल होगा। अभी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है लैपटॉप की वो 2GB रैम है, 500GB हार्ड डिस्क है और प्रोसेसर भी AMD का है, तो हम इसमें 64 बिट आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कम होती तो हम 32 बिट पर बनाते हैं, या हमें ज़रूरत पड़ती तो भी हम 86 बिट पर बनाते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारे पार्टीशन आपके दिखाई पड़ रहे हैं, कितने GB का आपने कौन सा पार्टीशन बनाया है, जैसे पार्टीशन 2 है, 3 है, 4 है। ये यहाँ ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, फॉर्मेट भी कर सकते हैं
और चाहे तो इसको डिलीट करके नया ड्राइव भी बना सकते हैं। तो कैसे करना है पहले देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम रिजर्व्ड है, 71 MB स्पेस इसमें बचा हुआ है, इसको हम फॉर्मेट करेंगे। और ये प्राइमरी है जो 97.8 GB है, इसको हम फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि यही पार्टीशन टू जो है आपका लोकल डिस्क सी होता है, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल होते हैं। बाकी जो पार्टीशन 3 है ये आपका डेटा में रखा हुआ है, तो हमें इसको रोकना है, फॉर्मेट नहीं करना है। तो हम पार्टीशन 2 को फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये देखेगा ब्लू कलर से दिख रहा है और ये न्यू ब्लैक कलर से दिख रहा है। यहाँ डिलीट रिफ्रेश फॉर्मेट जो है ये सब ब्लू कलर से दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है जो ड्राइव यहाँ पर जो ड्राइव है सिलेक्ट करने पर फॉर्मेट नहीं होती है, तो डिलीट फॉर्मेट नहीं होती है, जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है सिस्टम में हार्ड डिस्क में, तो यहाँ पर ब्लू नहीं दिखाई पड़ता है, वो भी ब्लैक ही फॉर्मेट दिखाई पड़ता है। तो हम पार्टीशन 2 को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे और फिर ये प्रोसेसिंग होगा थोड़ा देर, उसके बाद सिस्टम रिजर्व इसको भी फॉर्मेट कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू डिस्क पार्टीशन 1। ये बता रहा है कि हम पार्टीशन 1 में विंडोज इंस्टॉल नहीं कर सकते, हमें पार्टीशन 2 में ही करना है, यही लोकल डिस्क सी है हमारा। बाकी हम पार्टीशन 3 को डिलीट नहीं कर रहे हैं ना फॉर्मेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डेटा सारा इसी में रखा हुआ है। तो हम पार्टीशन 2 को सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉलिंग विंडोज का ऑप्शन खुल करके आएगा, कॉपिंग फाइल होंगी, फाइल कॉपीज होंगी यहाँ पे, और उसके बाद एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल, ये 0% है अभी, ये 100% तक जाएगा। फिर इंस्टॉलिंग होंगे फीचर्स अपडेट्स, कम इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। तो इसमें आपका 10 से 15 मिनट समय लगता है और उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा।